नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज़ लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। मीरा भाईंदर वसे विरार पुलिस आयुक्तालय अंतर्गत नालासोपारा आचोले पुलिस स्टेशन की हद में आजकल चोरों के हौसले काफी बुलंद हो चले हैं। हम यह बात कर रहे हैं उसके पीछे की वजह अभी हाल ही में सामने आए दो बड़े मामले। पहला मामला है आज से दो दिन पहले 18 तारीख का। 18 अगस्त को शाकिब मेमन नाम के फरियादी के घर से लाखों के जेवर चोरी हो गए थे। आपकी स्क्रीन पर चल रहा है सीसीटीवी फुटेज उसी घटना का है। आपको बता दें कि शाकिब मेमन के घर में घुसे इस आरोपी ने शाकिब मेमन और उसकी बुआ ने बनवाए घर में रखे लाखों रुपए कीमत के जेवर चोरी कर लिए और फरार हो गया। चोरी की घटना के पीड़ित शाकिब ने आचोले पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करवाया और पुलिस ने अभी तक उस मामले का खुलासा भी नहीं किया। नालासोपारा पूर्व रोड पर स्थित चांदनी ज्वेलर्स नामक दुकान में दिन दहाड़े एक बड़े चोरी की घटना सामने आई। दरअसल चांदी ज्वेलर्स में एक औरत ग्राहक बनकर घुसी और दुकानदार को सोने चांदी के आभूषण दिखाने का कहकर दुकान मालिक की नजर चुरा कर चांदी के जेवर लेकर फरार हो गई। हालांकि ज्वेलरी दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में इस औरत की पूरी हरकत कैद हो गई, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन दोनों ही मामलों को देखने पर यह लगता है कि नालासोपारा आचोले पुलिस का अपराधियों में कोई खौफ नहीं रह गया है। वैसे भी आचोले पुलिस स्टेशन की हद में आए दिन बड़े बड़े अपराध की घटनाएं भी सामने आती रहती है। अब देखना यह है कि इन दोनों ही मामलों का खुलासा करने में आचोले पुलिस को कामयाबी कब मिलती है और आरोपी की धरपकड़ कब होती है। क्या पुलिस जल्द ही इन दोनों ही मामलों को सुलझाने में कामयाब हो पाएगी, यह सवाल भी बड़ा अहम सवाल। अभी के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट में दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। नमस्कार। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।